Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पीवी न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत कर रही हाँ। तस्वीरां दिखा रहे हाँ शहीद भगत सिंह स्टेडियम पक्का मोर्चा तो, जिवें कि 22 तरीक का संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम अलीकिया होया है। राकेश टकेत समेत काफ़ी जो किसान ने वह अज जो 22 तारीख को सिरसा की धरती पर पहुँचणगे, लेकिन उस प्रोग्राम नू लैके काफ़ी हलचल मची हुई है। दो गुट बन चुके हैं कि राकेश टकैत जी कित्थे पहुँचणगे 18 तारीख वाला, इस तो इलावा 18 तारीख वाला जो प्रोग्राम है रेल रोकण दा उहदे की गतिविधियां ने, ते साडे नाल जुड़े हुए हैं प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी, ते करवाने हाँ उन्हां नाल गल्लबात, ते जानदे हाँ कि की मसला है, ये राजनीतिक रोटियां किसान अंदोलन दे विच क्यों सेकियां जा रही ने, राकेश टकैत जी कित्थे पहुँच रहे ने, 18 तरीक की जो गतिविधि है वह की है। सत श्री अकाल जी। हाँ जी प्रहलाद जी, 18 तारीख नूं जो रेल रोकण दा प्रोग्राम है वो अपने सिरसा दे विच मेन बिंदु की रख्या गया? 18 तारीख को रेलवे स्टेशन जो है इसके पास ही पॉइंट बनाया गया है, और एलनाबाद के अंदर पॉइंट बनाया गया है, कालांवाली के अंदर एक पॉइंट बनाया गया है, और जहाँ जहाँ पे ये रेलवे गुजर रही है सिरसा के चारों तरफ से, वहाँ सब जगह के ऊपर रेल रोकी जाएगी 12 बजे से 4 बजे, जो पूरे देश के अंदर ये संयुक्त मोर्चे का आह्वान है। जिस तरह 22 फरवरी नू महापंचायत हो जा रही है सिरसा की धरती नू सुभाग्या मिल रहा है, भी राकेश टकैत जी दे नाल होर अन्य काफ़ी किसान नेता ने जो इत्थे पहुँच रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह दो गुट बन चुके हैं, लगातार मीटिंगा हो रही ने, गुरुद्वारा साहब के मीटिंग चल रही है, इत्थे किसान वीर पहुँच रहे हैं पिंडां दे विचों, की वजह मनते हो भी इस तरह मीटिंगा चल रही ने, गुटबाजी हो रही है? गुटबाजी कुछ भी नहीं है। 22 तारीख को जो है कार्यक्रम यहाँ का बना हुआ है संयुक्त मोर्चे की तरफ से, जिसके अंदर राकेश टकैत जी, बलवीर सिंह रज्जेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल जी, योगेंद्र यादव जी, कुलवंत संधु जी, और भी कई किसान नेता जो है, रल्दू सिंह मानसा जी, और भी काफ़ी किसान नेता वो पहुँचेंगे, यहाँ हरियाणा के जो किसान नेता है वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। तो एक अब तक की जितनी पंचायतें हुई है हरियाणा के अंदर, उनमें सबसे बड़ी जो पंचायत है वो सिरसा के अंदर होने जा रही है, भगत सिंह स्टेडियम पक्का मोर्चा के ऊपर, जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे लोग पहुँचेंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या बड़ी होगी। और ये जो पंचायत की जा रही है, ये किसान मजदूर महापंचायत के नाम से इसको आयोजन किया जाएगा, और ये जो पक्का मोर्चा लगा हुआ है, पंजाब के बाद अगर देश में कोई पहला मोर्चा लगा था तो ये सिरसा का मोर्चा लगा था, और इस मोर्चे को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए संयुक्त मोर्चे के जो प्रमुख किसान नेता वहाँ पहुँचेंगे, वो पहले भी यहाँ के नेशनल लेवल के जो किसान नेता आते रहे हैं, अब इस मोर्चे को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए यहाँ पर संयुक्त मोर्चे के नेशनल लेवल के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आप प्रहलाद जी की कारण मानते हो कि मतलब काफ़ी लोगों को इतराज़ है भी टकैत जी पक्का मोर्चा पर ना पहुँचन, जबकि पक्का मोर्चा मेन मोर्चा है? हमें तो नहीं लगता किसी को एतराज़ होगा। सारे जो लोग हैं, जैसे ये पता चला कि यहाँ पे राकेश टकैत जी आ रहे हैं, तो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास और पूछ रहे हैं, और लोग तैयारियों में जुट गए हैं, अपने अपने गांव के ऊपर लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो हमें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि किसी को यहाँ आने पर कोई एतराज़ होगा। जिमें कि कल एक फेसबुक पर पोस्ट भी पई सी, उत्थे ऐलान किया गया सी वी राकेश टकैत जी मंडी विच आ रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है किसान मजदूर महापंचायत, तो यहीं हो रही है पक्के मोर्चे के ऊपर, इसके अलावा कोई कार्यक्रम हो रहा है वो तो स्वतंत्र है, देश है, यहाँ कोई भी कार्यक्रम कर सकता है, किसी को मनाही नहीं है कार्यक्रम करने की, तो और किसानों के हक में कार्यक्रम हो रहे हैं तो हम सब कार्यक्रमों का स्वागत करते हैं, अगर किसानों के हक में कोई कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं मानते। 18 तारीख तो पहला कल एक होर भी पक्के मोर्चा संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम लिखा गया है, उस बारे भी थोड़ा जहा चानना पाऊंगे। 18 तारीख को क्या लिखा है? छोटू राम जी, वो 16 फरवरी को सर छोटू राम जी की जयंती है, उसी को लेके आज हमारी बैठक हुई, और कल यहाँ पक्का मोर्चा के ऊपर सर छोटू राम जी की 16 फरवरी को जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, उसी कड़ी में यहाँ पक्का मोर्चा पे भी कल सर छोटू राम जी की जयंती मनाई जाएगी। साढ़े नाल जुड़े हुए सन प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा किसान नेता, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल जो 22 फरवरी का जो प्रोग्राम है उन्होंने वो दस्या है, तो गल बिल्कुल सही है, संयुक्त मोर्चे का फैसला है पक्के मोर्चे के, जो महापंचायत हो जा रही है वो पक्का मोर्चा शहीद भगत सिंह स्टेडियम ते ही हो जा रही है, इस तो इलावा कोई अन्य प्रोग्राम है तो वह कर सकता है। होर भी अपडेट लैके जल्दी हाजिर होवांगे, ज़्यादा अपडेट लिए जुड़े रहो पीवी न्यूज़। धन्यवाद।